जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की बड़ी कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेताओं ने आज मुलाकात की है। इस मुलाकात की इजाजत राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दी थी। फारूख उमर को 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद से नजरबंद किया गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इससे पहले शेख हसीना ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ही देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। बता दें कि शेख हसीना गुरुवार को 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी का नाम भी रखा हो, लेकिन राहुल ने खुद प्रचार से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी विदेश गए हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी इस बात से नाराज हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष तो रहे, लेकिन कुछ सीनियर नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में घर वापसी कर लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन किया और बता दें कि साल 2019 में बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज रमाकांत ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें भदोही से मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। निर्दलीय राजनीति की शुरुआत करने वाले रमाकांत यादव मुलायम सिंह के करीबी हुआ करते थे। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी शिवसेना गोरेगांव की ओर कॉलोनी में पेड़ काटने को लेकर लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरे में पेड़ काटने वाले अधिकारियों को सत्ता में आते ही पीओके भेज देंगे। बता दें कि पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे करीब 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राम के नाम पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने राम को ही बांट लिया है। अब कांग्रेस अपने राम की अलग परिभाषा बता रही है, तो वहीं बीजेपी के राम अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गौ रक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ शनिवार से 5 दिन गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर वो मंदिर गोरक्षा पीठ धीश्वर की भूमिका में रहेंगे। वहीं सीएम नवरात्र की अष्टमी और नवमी का पूजन करने के बाद दशहरे के दिन परंपरागत विजय जुलूस की बतौर गोरक्षा पीठाधीश्वर की अगुवाई करेंगे। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर नवंबर में फैसला आने की उम्मीद है। वहीं कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या प्रशासन सतर्क है। वहीं पूरी तरह से सतर्क पूरे अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जगह चेकिंग की जा रही है। वहीं दीपोत्सव के समय पिछले साल से ज्यादा फोर्स लगाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मां शीतला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से मां शीतला मंदिर की आराधना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुर्गा पूजा के बहाने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि वो उन लोगों से क्षमा मांग रहे हैं जहां बाढ़ के कारण पूजा पंडाल और मेला का आयोजन नहीं हो पाया है। रांची के एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ लालू और राबड़ी देवी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल की शोभा लालटेन भी बढ़ा रही है। लालू राबड़ी के कारण ये पूजा पंडाल आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में 5 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी दीरपाल के परिवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसमें युवा नेता अरविंद गुलिया, अभिषेक गुलिया मौजूद रहे। इसके अलावा वेद नारंग पूर्व विधायक बरवाला और फूल सिंह खेड़ी पूर्व विधायक गुलहा चिका और रतिया से पूर्व विधायक राम स्वरूप रामा ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी से इसके स्पष्टीकरण की मांग की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र के संवेदनशील इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है, शराब की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। यूपी में पूर्वांचल के लोगों को दशहरा और दिवाली का गिफ्ट मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू करने में आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। यूपी सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी कुशीनगर ने अधिग्रहित भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है। प्रशासन की ओर से नामित AGM कुशीनगर विंध्यावासिनी राय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम 587 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। कासगंज में DM और SP ने थाना दिवस के मौके पर ही फिदा फरियादियों की फरियाद सुनी है और फिर उसके बाद थाना सुनगढ़ी का निरीक्षण किया है। साथ ही DM ने भूमि विवादों के तुरंत निपटान को लेकर टीमों का गठन भी किया है। बरेली के एक आयुष्मान कार्ड धारक 60 साल के बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। गंभीर बीमारी से घिरने के बाद बुजुर्ग मृतक अस्पताल पर ही दर अस्पताल आयुष्मान कार्ड लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी भी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पाया। उसकी किसी भी अस्पताल ने आयुष्मान के कार्ड पर इलाज नहीं किया। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में मात्र 6 रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग मारपीट कर रहे हैं। वही मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों पक्षों को शांत करवाया गया है। हरियाणा के चरखी दादरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ घर पर पहुंची पत्नी ने घर में ही घुसने को लेकर जमकर हंगामा किया। पत्नी और परिजनों ने जज कुणाल गर्ग आरोप लगाए हैं कि पत्नी शिखा अग्रवाल ने जज पति पर दूसरी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया है और वो भी बिना तलाक दिए। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोली चलने से हड़कंप मच गया है। वहीं रविदास वार्ड के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। मौके पर बुलेट के 3 खोखे मिले हैं। अज्ञात बदमाश पर गोली चलाने का आरोप लगा है। मामला CSEB ऑफिस के पास सुरकी रोड का बताया जा रहा है, तो वहीं शहर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा होने की खबर है। यहां कार और बस की भिड़ंत में 3 लोगों के जलने की खबर है। इन तीनों ही लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे में दोनों ही गाड़ियों के जलने की खबर बताई जा रही है। दरअसल यह हादसा रामदेव मंदिर निम्बानिया की ढाणी के पास हुआ है, जहां बस और कार को आपस में भिड़ते भिड़ंत हो गई है। महोबा में हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामा के घर कुआं पूजन में आए भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के कारण युवक की हत्या की गई है। वहीं कुआं पूजन के दौरान हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी में पत्नी ने पति की निर्मम हत्या कर दी है। तेजपाल को उसकी ही पत्नी ने सिर ईंट से कूचकर मार डाला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है।
जयपुर के हरमाड़ा से। हरमाड़ा इलाके में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार पर गोली चलाई थी, तो वही सूचना के बाद से हरमाड़ा पुलिस मौके पर मौजूद है। मामला हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी का बताया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के गोबरसही इलाके में ICICI बैंक से 6 लोगों ने हेलमेट पहनकर 8 लाख रुपए लूट लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक में सुरक्षा गार्ड की एक राइफल भी लूट ली है। इलाहाबाद जंक्शन के सिविल लाइन्स साइड में कैश वैन से करीब 1.5 करोड़ रुपए चोरी की वारदात में सीसीटीवी फुटेज से अहम खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर गिरोह के 7 सदस्य कैश वैन से नकदी भरा बक्सा उड़ाने के बाद फांभा मऊ भाग निकले थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की 51 स्क्वाडन को IAF चीफ ने सम्मानित किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारतीय वायुसेना प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया 27 फरवरी को पाकिस्तान के हवाई हमले को नाकाम करने और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की नाकाम कोशिश हुई है। नौगाम सेक्टर में रविवार तड़के कुछ घुसपैठिए LOC को क्रॉस करके आ रहे थे, जिसके बाद BSF की नजर इन घुसपैठियों पर पड़ गई। इसके बाद BSF की ओर से की गई कार्यवाही के बाद घुसपैठिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वापस भाग गए। यूपी में झांसी मोंट के थानाध्यक्ष पर कल देर रात हमला करने वालों को झांसी पुलिस ने गुरसराय के जंगल में मुठभेड़ मार गिराया है। पुलिस ने हमलावर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया है, जहां उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। यूपी के बरेली में स्कूल से घर लौट रही छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसका शव स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिला है। छात्र के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। दुनिया भर में कश्मीर के मसले पर प्रोपोगंडा फैलाने में रहे जुटे पाकिस्तान, PM इमरान खान की अपनी ही कुर्सी हिलती नजर आ रही है। एक तरफ सेनाध्यक्ष आर्थिक मोर्चे पर अपने अधिकार क्षेत्र से परे कारोबारियों संग मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चरमपंथी नेता फजलूर रहमान भी अब उनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। तेल की कीमतें कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला रविवार को लगातार 4th दिन जारी रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में करीब 2 सप्ताह बाद पेट्रोल 74 रुपए लीटर से कम दाम पर मिलने लगा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का दाम 73.79 रुपए और डीजल 67.03 रुपए लीटर हो गया है। इस त्योहारी सीजन पर सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के 5वें सीरीज में निवेश का मौका दे रही है। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करते हैं तो इस पर आपका 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी दी है। सस्ते में सोना खरीदने का शानदार मौका दिया है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में घरेलू बाजार में एक नए सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पहली मिनी SUV मारुति एक्सप्रेसो को लॉन्च किया है। इस SUV की शुरुआती कीमत तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक तय की गई है। फिलहाल इसे केवल पेट्रोल और इंजन के साथ ही पेश किया गया है, लेकिन अब कंपनी इसके CNG वेरियंट को जल्द ही पेश करने की योजना बना रही है।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिटिल ने बाजार में 32 इंच का नया एलईडी टीवी लॉन्च किया है। इस टीवी की कीमत 6,999 रुपए है। कंपनी के मुताबिक ये भारतीय बाजार में मिलने वाला 32 इंच का सबसे सस्ता टीवी है। इस मॉडल के जरिए वो 32 इंच टीवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इस टीवी को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी खरीदा जा सकता है। टीवीएस की सबसे लोकप्रिय बाइकों में से एक अपाचे आरटीआर 204V को कंपनी ने अब और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है, क्योंकि अब आप अपाचे को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 204V में स्मार्ट टेक्नोलॉजी दी है, साथ ही कई नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। एक्सीडेंट की स्थिति में बाइक खुद अलर्ट भेजेगी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क से बाहर जाने वाली कॉल पर घंटी बजने का समय घटाकर अब सिर्फ 25 सेकंड कर दिया है। आमतौर पर कॉल आने के समय बजने वाली फोन की घंटी का समय 40 से 45 सेकंड होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 25 सेकंड कर दिया गया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के उठाए गए इस कदम का मकसद कॉल से जुड़े रहने के समय के मुताबिक उस पर लगने वाले इंटरकनेक्ट IUC की लागत घटाना है। भारत में पहली बार NBA मैच में NBA की टीम इंडियाना पेसर्स ने अपने दोनों ही मैच जीत लिए हैं। इंडियाना पेसर्स ने सेक्रेमेंटो किंग्स को दूसरे मैच में 130-106 से हराकर इंडियाना पेसर्स ने प्री सीजन का पहला मैच शुक्रवार को 132-131 से जीत लिया था। भारतीय युवा टेनिस स्टार सुमित नागल ब्राजील में हो रहे ATP चैलेंजर के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं राउंड 8 में सुमित ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को हराया है। सुमित का मुकाबला सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के जुआन पाब्लो से होगा। भारतीय T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 T20 खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वहीं इस मामले में वो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से भी दो मैच आगे हैं। धोनी और रोहित ने अब तक 98 T20 खेले हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की लंदन में सर्जरी कामयाब रही। उन्होंने खुद उसकी जानकारी दी है और फोटो शेयर करते हुए कहा कि सर्जरी कामयाब रही, आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, जल्द ही वापसी करूंगा, अब तक मुझे मिस करते रहिएगा। सुनील गावस्कर ने आर अश्विन के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना की है। गावस्कर का कहना है कि भारतीय टीम जब भी टेस्ट क्रिकेट खेले, अश्विन को अंतिम एकादश में होना ही चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बीते दो सालों से अश्विन टेस्ट मैचों की प्लेइंग 11 से अंदर बाहर होते रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रविचंद्रन अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में थ्यूनस डी ब्रेन के आउट कर सबसे तेज 350 टेस्ट विकेट लेने के सामने में पूर्व श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर रिलीज के बाद सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इतनी दमदार कमाई करने के बाद भी वॉर आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कमाई के मामले में पीछे रह गई है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। वहीं 53 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग करने के बाद 3 दिन के अंदर ही वॉर का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ के ऊपर चला गया है। शुरुआत से ही फिल्म ने कहानी और कलेक्शन दोनों के मामलों में अच्छी ओपनिंग की है। इधर दुर्गा पूजा के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची। यहां रानी दुर्गा पूजा में हिस्सा लेने के लिए आए हुए अपने फैंस से भी मिली। रानी ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी रानी मुखर्जी अपनी अगली फिल्म मर्दानी 2 को लेकर सुर्खियों में है। यह फिल्म 2014 में आई फिल्म मर्दानी का सीक्वल है।
बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा का त्यौहार पूरे धूमधाम से मना रही हैं। दुर्गा पूजा के दौरान काजोल अपनी माँ तनुजा, बहन तनिषा मुखर्जी के साथ मुंबई में अपने आवास पर दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के लिए साल 2019 अब तक काफी लकी रहा है। सुपर 30 और बाटला हाउस जैसी दो बड़ी फिल्मों में लीड रोल निभाने के बाद अब मृणाल ठाकुर अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए तैयार है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म से रा नरसिम्हा रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। कमाई के मामले में अब ये फिल्म ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर को पीछे छोड़ती दिख रही है।